हाय, मेरा नाम है आनंद पहान और आप देख रहे हैं आनंद पहान ओरिजिनल। तो आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे मेरे पोएम के बारे में। एक पोएम जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, 2018 में करीब। तो पिछले दिनों मैं उन्हीं वीडियोस को देख रहा था तो मुझे लगा कि इसे फिर से क्रिएट करना चाहिए। वो जो मैंने बनाया था अपनी ही आवाज़ में, मुझे खुद उतना अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे पसंद नहीं आया, तो सोचा कि एक बार फिर से रिक्रिएट किया जाए। और वो पोएम उतनी भी कोई ख़ास नहीं थी, पर मुझे थोड़ा दिल के करीब थी। जब इमोशनल हुआ था मैं, तब मैं ये लिखा था। तो उस पोएम का नाम है मुश्किल है खुद को समझाना। यही पोएम का नाम है। मुश्किल है खुद को समझाना, मुश्किल है दिल को समझाना। ये प्यार है या कुछ और है, ये प्यार है या कुछ और है, मुश्किल है खुद को समझाना, मुश्किल है दिल को समझाना। एक बार होता है ना, किसी से इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, ये समझ नहीं आता कि क्या ये सचमुच प्यार है या कुछ और है। नहीं समझ में आता, कोई नाम हम लोग नहीं दे पाते कभी कभी उस रिश्ते को। बड़ी दुविधा है, कहीं पहुंच ना पाऊँ। इसका यही मतलब है कि किसी नतीजे में मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं कि आखिर ये चीज़ है क्या। सीने में तस्वीर लिए मैं कहीं भटक ना जाऊं, ये प्यार है या कुछ और है। पर ना जाने तुमसे मिलने को दिल करता है, तुमसे बातें करने को मन करता है, तुम्हें देखने को मन करता है। अब ये मन को मनाऊं कैसे। समझता ही नहीं है मन, हर बात बस चाहता है कि वो पास में हो और हम बातें करें, देखें कुछ इस तरीके से। ये प्यार है या कुछ और है। जब कभी ऐसा लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि बस उसकी बातें सुनते रहे। इसी पर कुछ लाइन लिखी थी, तेरी बातें सुनने को जी करता है, तुमसे बातें करने को जी करता है, तेरे जुल्फों को सवारने को जी करता है, तू जाए जहां भी तेरे कदमों के आगे फूलों को बिछाने को जी करता है। वो लगता है ना कि कोई खास होता है या खास बन जाता है, ये तो पता नहीं, बट कुछ तो होती होंगी उस सिचुएशन में। तो लगता है कि उनके पास होते हैं, उन्हें संवारते हैं उनकी जुल्फों को, और वो जहाँ भी जाते हैं हर एक कदम के पीछे नीचे में फूल बिछा दिए जाते हैं। वो एक गाना है ना यस बॉस का, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, आगे नहीं याद आ रहा पर गाना बहुत अच्छा है। तेरे लिए बस तेरे लिए गुनगुनाने को जी करता है, हाँ उसके लिए, सिर्फ उसके लिए गाना गाने को करता है। क्या होता है ना कि इश्क में अक्सर लोग शायर बन जाते हैं,
तो कुछ फीलिंग्स आती है तो वो लिखने को मन करता है, तो इसी पे लिखा था। लिखने को जी करता है, तुम्हें वो दिखाने को जी करता है, जिसे मैंने दिखाई नहीं है किसी को अभी तक, जो बनाई है अभी अभी, बस तेरे लिए, बस तेरे लिए। ये प्यार है या कुछ और है? ये प्यार है या कुछ और है? कुछ भी समझ ना पाऊँ, कुछ भी समझ ना पाऊँ। अब तो ये हाल हो गया है कि तेरे चाहतों को जीने को जी करता है, तेरी चाहतों में खुद को चाहने को जी करता है। ये प्यार है या कुछ और है? फिर वो रियलिटी में आता है, फिर खुद को एनालाइज करता है, या कभी-कभी हम लोग खुद को कम आंकते हैं दूसरों से, ऐसा होता है अक्सर। तो ये भी सोच करके लिखा था, ऐसा होगा नहीं मैं जानता हूं, पर ऐसा दिल करता है। ये प्यार है या कुछ और है? अब तो बहुत मुश्किल है खुद को समझाना, मुश्किल है दिल को समझाना। तो ये मेरी पोयम थी। अगर आपको ये पोयम पसंद आए देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपको अब रेगुलर बेसिस पर मिलते रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, किसी नए एपिसोड के साथ में, कुछ नई बातों के साथ में। तब तक के लिए बाय।